दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां उनसे ज़्यादा तरक्की करें और उनसे भी ज़्यादा नाम कमाए। और दोस्तों, शायद यही रीज़न है कि ज़्यादातर भोजपुरी स्टार अपने बेटे बेटियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च करना चाहते हैं। वो चाहे रवि किशन हो या पाखी हेगड़े या फिर कुणाल सिंह, सभी अपने बच्चों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी कुछ अलग ही है और वही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर हम भोजपुरी में स्टार किड की बात करते हैं तो प्रदीप पांडे चिंटू और अक्षरा सिंह का नाम आता है। आपको पता ही है कि भोजपुरी के सबसे बड़े डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे के बेटे हैं प्रदीप पांडे चिंटू। साथ ही अगर अक्षरा सिंह की बात करें तो अक्षरा सिंह के भी माता पिता भोजपुरी में एक बहुत पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस हैं। फिर भी इन लोगों ने अपने बच्चों को भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लॉन्च किया। और दोस्तों, आपको पता ही है कि भोजपुरी में इन दोनों स्टार ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये तो पता है कि आम्रपाली दुबे, निधि झा, संचिता बनर्जी, मनी भट्टाचार्य, कई सारी टीवी सीरियल्स एक्ट्रेस भोजपुरी में काम करना शुरू कर चुकी हैं। वेल, आपको बता दें कि जब भी कोई हिंदी टीवी सीरियल करता है तो उनका मेन टारगेट होता है बॉलीवुड में काम करना। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये सारी एक्ट्रेसेस एक हिंदी सीरियल में काम करते हुए भी उन्होंने हिंदी सीरियल को छोड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया और भोजपुरी में इनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया। और दोस्तों, आज आम्रपाली, निधि झा और मनी भट्टाचार्य जैसी एक्ट्रेस भोजपुरी में लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं। भोजपुरी में इतना पोटेंशियल, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी भोजपुरी स्टार अपने बच्चों को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक शर्म की बात है। वेल, दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं थोड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। तो सुशांत सिंह की डेथ से पहले बॉलीवुड का माहौल एकदम अलग था और सुशांत सिंह की डेथ के बाद बॉलीवुड पूरी तरीके से बदल चुका है। वेल, अगर स्टार किड की बात करें तो बॉलीवुड में जितने भी स्टार किड्स हैं उनको बहुत ज्यादा हिट मिल रही है। अगर आप बात करें आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, वरुण धवन, सारा अली खान, दोस्तों ये वो स्टार किड हैं जिन्हें अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हिट मिल रहा है। और दोस्तों, इसका रीजन आप सबको पता ही है। वेल, आपको बता दें कि जब इतने बड़े बॉलीवुड स्टार के बेटे बेटियों को ये रिस्पांस मिल रहा है तो सोचिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बच्चों को क्या रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो लोग बहुत ज्यादा नकार रहे हैं स्टार किड्स के बच्चों की फिल्मों को। साथ ही हम आपको बता दें कि किसी भी स्टार के लिए उनकी पहली फिल्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उनकी स्टार्टिंग की पहली, दूसरी और तीसरी मूवी कुछ न कुछ कमाल जरूर करनी चाहिए, तभी जाके उन्हें आगे फिल्में मिलती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका करियर बॉलीवुड में डूब जाता है। वेल, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमें नहीं लगता कि कोई भी स्टार किड अभी बॉलीवुड में लॉन्च हो सकता है। और अगर किसी ने हिम्मत भी की स्टार किड्स को लॉन्च करने की, तो दोस्तों ये 100% श्योर है कि उनकी फिल्में फ्लॉप ही होंगी, जो कि उनके करियर के लिए सही नहीं है। और दोस्तों, यही रीजन है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये स्टार एक न एक दिन अपने बच्चों को भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूं, भोजपुरी के सुपर स्टार रहे कुणाल सिंह के बेटे आकाश सिंह बॉलीवुड से ही डेब्यू किए थे और उनकी फिल्म थी ब्लडी इश्क, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही थी, जिसके बाद उन्हें कोई भी बॉलीवुड मूवी नहीं मिली और अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रवि किशन की बेटी भी रीवा किशन बॉलीवुड मूवी सब कुशल मंगल में अपना डेब्यू की है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही है और इस फिल्म के बाद इन्हें अभी तक कोई भी और दूसरी मूवी नहीं मिली है। जिस तरीके से कुणाल सिंह को अपने बेटे आकाश सिंह को भोजपुरी में लॉन्च करना पड़ा, सेम उसी तरीके से 90% ये चांसेस हैं कि ये भोजपुरी स्टार्स भी अब बेटे बेटियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लॉन्च करना चाहेंगे। वेल, दोस्तों, आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।